नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं कुलदीप आर्यवीर और हमारे साथ है पूज्य स्वामी महान सुखदेव जी महाराज। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँ एक ऐसा विषय जो कि बहुत ही है। मेरे पास बहुत ही भाइयों के मैसेज आए कि भाई मैं हस्त मैथुन के ऊपर वीडियो बनाऊं, और उसमें भी 5-6 बच्चे ऐसे थे जो कि 13-13 साल के आयु के थे, और उसमें अधिकतर संख्या 18-25 साल के भाइयों की थी। तो मैंने सोचा क्यों ना महाराज जी से एक बार मैं बात करके आप लोगों के लिए इसके लिए कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसे जो बोल आप लोगों के कुछ दिल में पड़ जाए कुछ, क्योंकि जो संतों की वाणी होती है या फिर कुछ हमारे ऐसे पुरुषार्थ होते हैं जिनके कारण अपने आप को चेंज कर पाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों जो है स्वामी जी के पास लेकर के आया कि भाई स्वामी जी कुछ बताए आप लोगों को, और जो है आप लोग इससे मुक्ति पा सके। जी नमस्कार कुलदीप आर्यवीर जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहे भगवान से ऐसी कामना करता हूँ। ये बहुत ही गंभीर विषय है। हम देखिए ना, हम किस किस तरफ जा रहे हैं, एकदम अपने किस तरफ हमको जाना चाहिए, प्रगति की ओर जाना चाहिए, और हम एकदम नीचे की ओर जा रहे हैं। तो देखिए, हमको सबसे पहले इसके इसकी वास्तविकता समझनी पड़ेगी, और मैं कोई भी आपको ऐसी बात नहीं बताऊंगा जो मेरे अनुभव से ना गुजरी हो। मैं आपको अपने अनुभव की चीज बताता हूँ, एकदम स्पष्ट अनुभव की चीज बताता हूँ जो मैंने अपने ऊपर खुद प्रयोग किया है, और जो वास्तविकता यदि आप उसको अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो मेरा जहां तक मेरा विश्वास है कि वह आपको 100% लाभ मिलेगा, जो कि मैंने अपने खुद के साथ में किया है। देखिए, ये जो काम है ये नेचुरल प्रक्रिया है, आपको ये इसको मानना पड़ेगा, एकदम विश्वास से मानना पड़ेगा इसको। पर क्या है, नेचुरल हो एक एक लिमिट तक होना चाहिए। पर बहुत सारे, जैसे आप बता रहे कि 13 साल के बच्चे कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक है, और एक विधिवत तरीके से ये होना चाहिए। देखिए क्या है ना, वेग कहां से आता है हमको वो समझना पड़ेगा। वेग आता है हमारे खान पान के ऊपर, बहुत ही डिपेंड करता है। हम जैसा खाते, जैसे गर्म चीजें खा ले रहे हैं, शाम के समय गर्म दूध पी ले रहे हैं, बादाम के साथ में दूध पी ले रहे हैं, और उसकी वजह से आपका स्वप्न दोष हो सकता है। आपके पेट में गर्मी है, उसकी वजह से आपका स्वप्न दोष हो सकता है। आपका खून गर्म है, उसकी वजह से आपका स्वप्न दोष हो सकता है। और आप हस्त मैथुन इसलिए भी कर सकते हैं, आपके बीच मन में बहुत सारे विचार इस प्रकार के चल रहे हैं, ठीक है। और एक बहुत ही यौगिक क्रिया बता रहा हूं जो ऋषि मुनियों की क्रिया है, जिससे वास्तविकता में इस हस्त मैथुन से मुक्त हुआ जा सकता है। जिस समय आप हस्त मैथुन कर रहे हैं, अपने आप से पूछिए कि व्हाई आई एम डूइंग दिस, मैं इसको क्यों कर रहा हूं। अपने आप पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा। जब आप कर रहे हैं तो आप एकदम ये प्रण कीजिए, मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा, मैं इसको जीवन में नहीं करूंगा, ये बहुत ही खराब चीज है। उस समय करने के बाद में नहीं, जिस समय कर रहे हैं, जिस समय हो रहा है, जिस समय ये घट रही है, तो उस समय आप सोचिए कि अरे ये तो खराब चीज है, इसमें से मिल क्या रहा है, वास्तविकता में इसमें मिल क्या रहा है, मेरे को क्या क्या प्राप्त हो रहा है। देखिए जो बिलीफ सिस्टम है ना, बिलीफ सिस्टम जब आपके माइंड में ये जो बैठ जाएगा ना, जब ये आपके माइंड में बैठ जाएगा कि ये गलत चीज है, तो आपका शरीर इससे थोड़ा दूर हो जाएगा। अब क्या है, हम क्या ना, अंदर से तो उसको पाने की इच्छा लगी रहती है, और बाहर से हम इसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो ये बाहर से नहीं रुकेगा, ये अंदर से बिलीफ सिस्टम से रुकेगा। आपके अपने मन को, अपने शरीर को ये समझाना पड़ेगा कि ये गलत है। तो ये समझाएं कैसे, जिस समय आप कर रहे हैं उस समय कहें कि मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा, मैं इससे जीवन में कभी नहीं करूंगा, और आप देखेंगे आपको 10 दिन में आपको एकदम, आपको देखेंगे ये तो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो एकदम ही इजी है, मैं इसे एकदम ही मुक्त हो सकता हूं। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आप मुक्त हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और ये बहुत, ये कोई किसी किताब की बात नहीं है, ये एकदम जीवन का अनुभव है। नमस्कार। तो दोस्तों, जैसे यही महाराज जी ने बताया कि भाई खान पान पे, और ये एक स्वाभाविक चीज होती है, लेकिन दोस्तों जो हमारा वीर्य होता है ये केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही होता है। किस धर्म में जाने के बाद जो आगे की सांसारिक परंपरा है उसको बढ़ाने के लिए ये चीज हमारे अंदर आती है, ना कि हम 13-13 साल की उम्र में इसको जो है हाथों से जो है नष्ट कर दे, क्योंकि एक
संजीवनी शक्ति एक संतान उत्पन्न करने की, एक मनुष्य को आप जो है नष्ट कर रहे हो एक बार आप वीर्यपात करने पर। तो जैसे गन्ने को कोल्हू में पेल दिया जाता है ना, उसका रस निकल जाता है, वैसे आप अपने आप को पेल करके अपना रस सारा निकाल दे रहे हो। बच्चा क्या वो बरुद्धा थोता थोता, आप लोग जीवन की ऊंचाइयों पर नहीं जा पाओगे अगर आप लोग उस बरुद्धे को लेकर के, तो रस होगा तभी आप जो है गन्ने के खेत में उभर पाओगे। दोस्तों आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए एक शुक्राणु से जीवन मनुष्य बन जाता है, एक शुक्राणु से लाखों करोड़ों शुक्राणु होते हैं वीर्य में, एक शुक्राणु में इतनी पावर होती है कि वो एक मनुष्य को जन्म दे सकता है, तो लाखों करोड़ों में कितनी पावर है, अरबों शुक्राणु होते हैं। आपको समझना पड़ेगा इस चीज को, आप बिल्कुल ही गलत जा रहे हैं, बिल्कुल ही गलत जा रहे हैं। एक आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको अपने आप से प्रश्न पूछना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा भाई क्यों क्यों कर रहा हूं मैं, भाई भाई मैं अपने शरीर का मालिक हूं ना, मैं अपने शरीर का मालिक हूं, मेरे को पता है ये गलत है, तो वो क्यों कर रहे हो। और आप ही ये कर सकते, दूसरा कोई थोड़ी नहीं करेगा, आपको ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये आपका आंतरिक विषय है, आपका व्यक्तिगत विषय है, और आप इसके विषय में किसी से चर्चा भी नहीं कर सकते। इसीलिए आप प्रण लीजिए कि मैं ये क्रिया करूंगा और ये आज से मैं प्रयास करूंगा कि ऐसा ना हो। और वो बिलीफ सिस्टम, अपने शरीर के साथ में रहिए, खाना शुद्ध खाइए और अपने विचारों को शुद्ध रखिए, और उसको जो काम है उसको जानिए, उसकी वास्तविकता में पढ़िए उसके बारे में। जब तक आप उसको जानेंगे नहीं तब तक आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। बिल्कुल दोस्तों सही बताया महाराज जी ने कि भाई हमारे विचारों पे होता है, हम जब किसी चीज को सूक्ष्मता से देखते हैं ना तभी हम उस चीज का ज्ञान जो है प्राप्त कर पाते हैं। तो ठोकर लगती है, कुछ लोग करने के बाद सुधर जाते हैं, कुछ जो है गुरुकुल में जाकर के पढ़ करके सदगुरु की संगति में रह करके उस चीज को सीख जाते हैं। तो आप लोग भी ऐसे इसको मन को डायरेक्ट करें कि किसी संस्था से जुड़े, संगठन से जुड़े, अच्छे कार्य में मन को लगा के रखें, तो आप लोग जो है इससे थोड़ा सा आपको उभरने में सहायता मिलेगी। अपने आप को व्यस्त रखें, अपने आप को व्यस्त रखें कि उसके लिए अपने आपके पास में समय ही नहीं होना चाहिए। अब मैं हूँ, मेरे पास, मेरे को मैं कब सोना है कब जागना है पता ही नहीं, समय ही नहीं मिलता है फालतू की चीजों को सोचने में। अपने आप को व्यस्त रखें, अपने जीवन का एक गोल होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग और भी आगे आगे जो है ऐसे ही कुछ अहम विषय हम लोग बताते रहेंगे, और आगे भी महाराज जी की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेगी, ताकि आप लोग ऐसे ही सदुपदेश और भी मिलते रहे। जय श्री राम। और मेरा फेसबुक पेज का लिंक इस नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां मेरे को आप संपर्क कर सकते हैं।